Welcome to speedearning.com, speedearning.in. Why should we invest in mutual funds? हमको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? जब भी कोई सही कदम उठाने की बारी आती है तो विनर्स हमेशा पूछते हैं, भाई कैसे हो सकता है, बताइए मुझे करना है। लूजर्स कोई ना कोई कारण से रुक जाएंगे, बोले देखो अब क्या करें, हमको नहीं पता। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हर एक के लिए अनिवार्य हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि आपके जितने भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट थे, एफडी, पोस्ट ऑफिस और दूसरी सारी चीजें, उनका जो रिटर्न था एक जमाने में काफी अच्छा हुआ करता था। धीरे 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 वो रेट ऑफ रिटर्न गिरता 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 नीचे आ गया। एफडी कहीं 6.5-7% के रेट पे आके खड़ी हो गई है। अब 10-12-13% का इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट है। आंकड़ों में तो वो कम दिखता है काफी, लेकिन इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट मतलब आपकी डे टू डे जिंदगी में आपको क्या लगता है कि चीजें किस गति से बढ़ रही है, आपके बच्चे की स्कूल की फी किस गति से बढ़ रही है और आपके खाने पीने की चीजों के दाम किस गति से बढ़ रहे हैं, इसके नहीं तो उसके, उसके नहीं तो किसी और चीज के, पर ओवरऑल दामों की बात हो रही है। हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बढ़ रहा है या घटेगा, कभी लगता है कि ये घट जाएगा, मकानों की जमीन की कीमत बढ़ रही है कि घट रही है ना, ऐसे हर चीज, लग्जरी लाइफ स्टाइल, हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। एक्चुअली चीजों की कीमत नहीं भी बढ़े तो हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को खींच खांच के उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब हम वो मिनिमम असेंशियल लाइफ स्टाइल को अब जीने को राजी नहीं है। भाई अगर आपको सिर्फ मकान किराया देना होता, खाना पीना करना होता और एक नॉर्मल से स्कूल में बच्चे को भेज के पढ़ा देना होता तो वो ठीक था, लेकिन अब आपको एक बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, उसकी लमसम भारी फी आपको देनी है, आपको ईटिंग आउट और दूसरे लाइफ स्टाइल के एक्सपेंसेस करने हैं, आपके 20-25 हजार के फोन होते हैं, तो ये सब चीजें जिंदगी को बदल रही है। उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ये लोग क्या करते हैं, जब भी उनको प्रोग्रेस करने को कहते हैं तो अपने कपड़े बदल लेते हैं, अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो चलो हिंदी की बजाय इंग्लिश बुक्स और मूवीज देखने लग गए, लेकिन माइंडसेट बदला। तैयारी, तैयारी क्या है आपकी? और ऐसा नहीं है कि आप कल की प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी किस्मत ही लिख डालेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, किसी लोगों को, अगर किसी को लगता है कि नसीब सब कुछ है और वही होना है जो नसीब में लिखा है, तो आपकी बात सही भी हो सकती है। नसीब ने अगर आपके साथ हादसा किया तो आपको शिकायत नहीं होगी, आपको शिकायत होगी अपने आप से कि मैंने कुछ कोशिश या तैयारी क्यों नहीं की थी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि पिछले 30-40 सालों का अगर अलग अलग एसेट क्लासेस का कंपैरिजन देखें तो इक्विटी का रिटर्न 18-22% आता है, एफडी का रिटर्न 9-9.5% आता है, गोल्ड का रिटर्न 10-10.5% के आसपास आता है, रियल एस्टेट का अपना रिटर्न आता है लेकिन वो भी इक्विटी से ऊपर तो नहीं जा सकता। तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पर आपको पता नहीं है उस बारे में, तो पता करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हम अब इसको कंपेयर करते हैं कि जब हमको पता नहीं होता है तो इग्नोरेंट लोगों के यहाँ पे कोई एजेंट्स आते हैं, या तो ऑर्गेनाइज्ड और सही तरीके से आने वाले एजेंट में इंश्योरेंस एजेंट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आ जाएंगे, तो आपको यूलिप बेच रहे हैं या इंश्योरेंस की कोई स्कीम्स बेच रहे हैं। उसमें और इसमें फर्क क्या है कि इंश्योरेंस में आपको कंपलसरी 3 साल का लॉक इन है, तो आपने कोई अगर कोई पॉलिसी ले ली है और अभी आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आपने 50,000 रुपये साल की या 30,000 रुपये साल की प्रीमियम फिक्स कर दी, अब 2 साल बाद या अगले साल आपको परेशानी आ गई तो भी आपको वही प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। 3 साल तक अगर आपने प्रीमियम पे नहीं की, बीच में रुकी, तो शायद पॉलिसी लेप्स हो सकती है। तो हमारा जो माइंडसेट होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, तो उसको समझना है कि माइंडसेट हमारा ये होता है कि हम आजाद रहना चाहते हैं, हम लगातार कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, बांधने वाला कमिटमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते कि जैसे कोई उधारी मांग रहा और लगातार ये देना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में अगले साल या 3 साल बाद क्या होने वाला है, तो मैं हमेशा अपने लाइबिलिटीज को कम से कम करके रखना चाहता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हो आगे।
तो उस चक्कर में हमारे पास जितना पैसा होता है उससे हम बहुत कम क्षमता में पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं आता जिसमें हमको आजादी मिले। जैसे आप FD करने गए तो उसमें 365 दिन या 750 दिन या 180 दिन की FD है, तो आपको पता नहीं कि कब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। तो आपने 3 साल के लिए रखना हो सकता था, फिर भी 1 साल का FD किया और उसके बीच में भी कहीं 8-9 महीने बाद आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको तोड़ना पड़ जाएगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि आप सिस्टमेटिक अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, लमसम करना है लमसम कीजिए, टुकड़े टुकड़े में करना है टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा ज्यादा लगता है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, और लंबे समय में रिस्क न के बराबर हो जाता है। एक 5 साल की अगर बात करें तो आप जाके SIP कैलकुलेटर देखेंगे, SIP कैलकुलेटर में हम ट्रेनिंग में सारा सिखाते ही हैं आपको, तो SIP कैलकुलेटर में आपने एक स्कीम चुन ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो स्कीम्स हो उनको चुन लीजिए। चुनने के बाद में आपने वहां पे 2,000 रुपये महीना डाल दिया और ये कैलकुलेट किया कि 2012 से अगर मैंने पैसा हर महीने डाला होता तो कितना पैसा लगा होता, अभी कितना मिल रहा है। चलो 2012 से लेके अभी तक तो ऊपर का दौर है, बाजार ऊपर ही चढ़ा है। आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2007 से आपने करना शुरू कर दिया और 2014 तक आपकी क्या स्थिति बनी, तो वहां पे क्या बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी मंदी आ गई थी और बाजार नीचे जाके पड़ा हुआ था, तो भी आपके पैसे का क्या हुआ ये आपको वहां SIP कैलकुलेटर में देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, बहुत सारी अच्छे अच्छे स्कीम्स ऐसी थी 10 रुपए से 9 रुपए होके 5-6 रुपए तक भी चली गई थी और उधर ही पड़ी रही। अब क्या हुआ, लोगों ने जब उसकी NAV रोज रोज देखी, जब आप पैसा लगा देते हैं और जिसमें आपको बार बार देखने की आजादी मिलती है तो आप जरूर जाके झांकते हो। जहां आजादी नहीं मिलती, जैसे एक पॉलिसी है इंश्योरेंस की, वहां कोई बताने वाला नहीं तो आप पूछने वाले नहीं, कहीं अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया तो आप इतना पूछेंगे कि परेशान ही कर दें अपने आप को भी और सामने वाले को भी। अभी जैसे हम ये वीडियो में आपके साथ में फ्री नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत सारे महानुभाव को इस बात से शिकायत हो जाती है कि भाई आपने हमारा जवाब क्यों नहीं दिया, और हमने 5 बातें पूछी और आपने 3 जवाब कैसे दिए। तो मैंने अगर आपके साथ में ये नॉलेज शेयर करना शुरू किया है तो ये मेरी अपनी चॉइस से है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि जब भी हमारे पास ऊपर वाला कुछ देता है तो उसको बांटने की जिम्मेदारी हम महसूस करें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हम पूछ रहे हैं। तो ये वाली बात हम इन्वेस्टमेंट में भी कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में जाके बार बार आप NAV देखते हैं। अब NAV बार बार देखोगे तो बाजार नीचे था तो नीचे था, 3 साल तक नीचे था तो 3 साल तक नीचे ही पड़ा रहा, तो उसकी NAV को रोज हमने घटते हुए देखा, 9, 8.50, 8, 7.50, 7.80, 7, 6.50, 6.80। अब ख्याल क्या आएगा वहां पे, आदमी को ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर वजन बढ़ाता जा रहा है कोई, एक छाती पे पत्थर रख दिया है और वो पत्थर धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। तो 6, 5.5 रुपए पे आते आते जो मार्केट को नहीं समझता वो कहेगा कि अरे यार ये कहीं जीरो वीरो तो नहीं हो जाएगा, पहले तो 1,80,000 दिख रहे थे अब तो 60,000 दिख रहे हैं, घबरा के वो वहां बॉटम में बेच देता है। तो सबसे पहली गलती तो ये की थी कि समझ होती तो लमसम ऊपर के लेवल पे सारा पैसा डाला नहीं होता, तो लमसम इकट्ठा लालच में खरीद लिया और अब बॉटम में बेच डाला सारा के सारा, ये दूसरी बड़ी गलती। ये सब इग्नोरेंस से होता है। तो नॉलेज अगर आपको हो गया तो ये चीजें आपके साथ कभी भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अब क्या हुआ कि यही जो 6 रुपए 5 रुपए पे जाके घूमता रहा वो 7 रुपए के ऊपर नहीं आया 3 साल तक, तो उस केस में क्या हुआ कि आने वाले 36 या 40 महीनों तक आपको 6.5-7, 6.5-7 रुपए के भाव में यूनिट्स मिल गई NAV में, और बाद में जब वो वापस 8-9 रुपए का हुआ तब तक आपका नुकसान तो इतना सा रह गया, और 6-7 रुपए से लेकर 9 रुपए तक का आपका जो प्रॉफिट था वो इतना बड़ा हो गया। ऐसे करके पैसा बनता है, ये पूरा मैथ्स है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है अगर आपने लालच नहीं किया या बगैर वजह के ज्यादा डरे नहीं। थोड़ा डरना तो स्वाभाविक है, किसको डर नहीं लगता, किसको टेंशन नहीं आता। हम जो इतना बोल रहे हैं यहाँ पे, बाजार जब नीचे जाके सो गया था हमारे भी माथे पे सल आते थे, हमको भी टेंशन आता था। हाँ, लेकिन हमको इस बात की उम्मीद और जानकारी थी कि ये एक दौर है जो गुजर जाता है और बाद में साइकिल चलते रहते हैं, तो मंदी के बाद तेजी आने वाली है, अभी कुछ साल तक अपने को चुपचाप बैठना है, ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आप आजादी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
जब आपको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गरीब आदमी हमेशा बेचने की बात ज्यादा करता है और अमीर आदमी हमेशा खरीदने के बारे में सोचता है। तो ध्यान रखें कि बेचें तो टाइट हाथ से बेचें, कि मेरे पास 1,000 यूनिट थी, काम पड़ा 20,000 का, मैंने 150 यूनिट बेच दी और जहां मौका लगा वापस अपनी यूनिट इकट्ठा करना शुरू कर दी। तो आपके पास लमसम खरीदने का, एसआईपी का, हर तरह का तरीका है। एसआईपी दूसरे तरीके से भी मैनेज की जा सकती है। अगर किसी के पास समझो 1 लाख रुपया बाजार में लगाने को, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और साथ में लमसम वाला मजा भी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 20-20 हज़ार के 5 टुकड़े बना ली। एक तो तत्काल आपने खरीद लिया, बाजार जिस लेवल पे भी है अगर यहीं से भागना शुरू कर देता है तो 20 हज़ार पे आपको 4-5 हज़ार रुपए का फायदा तो दिख जाएगा, जो कि आपके 1 लाख रुपए की एफडी के गेन का आधा तो 20 हज़ार से ही मिल जाएगा। उसके बाद में आप 3-4 महीने रुके, बाजार के नीचे आ गया, 20 हज़ार की यूनिट आपने और खरीद ली, फिर और 4-6 महीने बाद बाजार के नीचे दिखा, 20 हज़ार की यूनिट आपने और खरीद ली। अब बाजार पलट के यहां से आप अल्टीमेटली भागना शुरू कर दे तो 60 हज़ार रुपये आपने लगा रखा है। अब आपको कितना पैसा लगाना है इसकी बजाय कितना रिटर्न लेना है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहे। पैसा लगाने की जिद नहीं होनी चाहिए कि मैं 5 लाख लगाना चाहता हूँ, मैं 10 लाख लगाना चाहता हूँ। मैंने देखा है लोग हमेशा बात करते हैं कि सर मेरे पास 5 लाख की कैपिटल लगा लूंगा कितना पैसा मिल जाएगा। तो 5 लाख की कैपिटल नहीं चाहिए भाई, 1 लाख रुपए की कैपिटल लाओ और 50 हज़ार की अकल इकट्ठी कर, सीखो काम कैसे करना है। आपको क्या लगता है 50 लाख रुपए डालने से इसमें से पैसा निकल आएगा? 50 लाख रुपए जो लेके आएगा वो 3 दिन में 50 लाख के 1 करोड़ साफ कर सकता है, खत्म हो सकता है सब कुछ। क्यों, आप अपने फील्ड में कितने भी महारथी रहे हो, अगर आपको यहाँ पता नहीं है तो 3 दिन के अंदर बाजार आपको निकल जाएगा। तो आपको पैसा लगाने से ज्यादा समय और समझ लगाने की जरूरत पड़ती है, उस पे ही ध्यान देना है। आपको म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, अब हर एक व्यक्ति विजुअलाइज कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को विजुअलाइज करना चाहिए 10 साल की उम्र से कि मुझे जाना है यूएस में एजुकेशन लेने और मैं अपनी पॉकेट मनी, या मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा और अपनी पॉकेट मनी निकाल निकाल के उसने एक एसआईपी कर दी, 20-30 रुपए रोज के बचाए। हाँ मतलब दो बड़ी चॉकलेट नहीं खाएंगे तो ये पैसा बच जाएगा, ठीक है। फिर कोई हाउसवाइफ सोचे कि मैं अपने बच्चे को कहीं फॉरेन का हनीमून टूर दूंगी, अभी तो 8 साल का है लेकिन जब 22-25 साल का शादी करेगा तो फॉरेन टूर हनीमून के लिए दूंगी, या फिर अचानक छुपा छुपा के अपने पति को 1-10 लाख का गाड़ी गिफ्ट करूंगी। कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट कर सकती हो वो आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। आप उसके बारे में सीखना शुरू करें, सीखने के लिए हमने हर कदम को तैयार किया। आप चाहें तो एक 3,000 रुपये का बुक्स का सेट है, अभी 2,500 का, 2,500 का ऑफर चल रहा है, तो आप वो बुक्स का सेट लेके उसको पढ़िए। वो उससे ज़्यादा पॉसिबल हो तो 10,000 का 1 मंथ का एक छोटा बेसिक ट्रेनिंग प्लस एडवाइजरी है, और नहीं तो 45,000 6 मंथ का टिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सब आप कर सकते हैं। कोशिश ये की गई है कि जो चीज़ मेट्रो सिटीज़ में इससे 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा फी में अवेलेबल थी और आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाते थे, ऐसे हर इंसान को हमने उम्मीद दे दी है कि वो इंडिया के या दुनिया के किसी छोटे से छोटे कोने में रह के भी सीख सकता है। लेकिन अगर उसकी बहानेबाजी की आदत है तो वो कह सकता है कि सर हमको तो यहाँ नेट आधे दिन मिलता ही नहीं है और हम तो सिटी में जा ही नहीं पाते हैं और ब्रोकर कहाँ है हमको नहीं पता, घर वाले मना कर रहे हैं, हम क्या करें। घर वाले तो आपको दिन भर सोने से भी मना करते हैं, टीवी देखने से भी मना करते हैं, लेकिन वो सब चलता रहता है। तो आपको देखना है कि मैं कैसे सीख सकता हूं, एक एक इंसान इंडिया का आज सीख सकता है और ऐसी चीज सीख सकता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेटिंग पावर लग रही है उनको। मुझे नहीं लगता कि पैसा आपकी दुनिया आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, पर अगर आपको लगता है तो उस पर काम क्यों नहीं कर लेते। थैंक यू वेरी मच, बाय।